जून 2023 में आपने सोलर के ऊपर सिर्फ एक एसी चलाना है सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक, तो उसके ऊपर कितना खर्च आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कि पिछले काफ़ी अर्से से पूछा जा रहा है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो हर बंदा यही चाह रहा है कि मैं अपना पूरा घर सोलर के ऊपर शिफ्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मुझे सिर्फ अपना 1 या 1.5 टन का इन्वर्टर एसी, वो मैं सुबह से लेकर शाम तक चाहता हूँ वो सोलर के ऊपर चल जाए, उसके ऊपर कितना खर्च आता है, कितने सोलर पैनल लगते हैं, इन्वर्टर कौन सा लगता है, वो सारी तफसील यहाँ पर मेरे पास लिखी हुई है, वो आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ एसी चलाना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं चलानी, उसके ऊपर जून 2023 में टोटल कितना खर्चा आता है और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर जो है वो लगती हैं। अगर आपके घर में एक एसी, एक पानी वाली मोटर, एक इस्त्री, एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, पंखे, लाइट्स, एलईडी टीवी वगैरह, अगर ये सारा लोड वहाँ पर मौजूद है तो आपको कम से कम 3 से 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम मंगवाना पड़ेगा, जो कि आज की डेट की बात करें जून 2023 में तकरीबन 7 से 8 लाख की उसके ऊपर कॉस्ट आती है। डिपेंड करता है उसके अंदर इन्वर्टर 3 किलोवाट का लग रहा है, 4 किलोवाट का लग रहा है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मैटर करती हैं, तकरीबन 7 से 8 लाख उसके ऊपर कॉस्ट आती है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हमने ये सारा लोड जो आपने बताया है जिसके अंदर पंखे, लाइट, फ्रिज, टीवी वगैरह, ये हमने नहीं चलाना, हमने सिर्फ और सिर्फ एक एसी चलाना है, और वो भी सबसे कम बजट में रहते हुए कि हमारा बजट भी कम लगे लेकिन हमारा जो एसी है सुबह से लेकर शाम तक वो सोलर के ऊपर चलता रहे। 1 या 1.5 टन के इन्वर्टर एसी को सोलर के ऊपर चलाने के लिए आपके पास कम से कम पीवी 3200 इन्वर्टर होना चाहिए। अगर सबसे कम प्राइस की बात करें तो उसके अंदर गैलेक्सी कंपनी में आपको पीवी 3200 75 से 80 हज़ार की प्राइस रेंज में मिल जाता है, और इसी के अलावा आपको फ्रोनस और जूनिंग में तकरीबन 85 से 90 हज़ार के दरमियान में पीवी 3200 इन्वर्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये मैं प्राइसेस जो भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, ये जून 1, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट की जो प्राइसेस चल रही हैं, आप इस वीडियो को 1 माह के बाद देख रहे हैं, 2 माह के बाद देख रहे हैं, उस वक्त इन चीज़ों की जो भी प्राइसेस होंगी, आपने जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको आपने नोट करते जाना है, और अपनी करीबी मार्केट से भी इन चीज़ों के रेट्स आपने पता कर लेने, ताकि आप अगर इस वीडियो को 6 माह बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, उस दिन उन चीज़ों की जो भी प्राइसेस होंगी उनको आप कैलकुलेट करके आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा एक एसी जो है वो सोलर के ऊपर चलाने के लिए उसके ऊपर टोटल खर्चा कितना आएगा। आज की अगर बात करें तो जो मैंने आपको जिस तरह इन्वर्टर का बताया कि जो गैलेक्सी कंपनी में पी वी 3200 आता है वो तकरीबन 75 से 80 हज़ार के दरमियान में आता है, और जो फ्रोनस या जूनियर कंपनी में पी वी 3200 इन्वर्टर आता है वो तकरीबन 85 से 95 हज़ार के दरमियान में आपको जो है देखने को मिल जाता है। इस तरह एक एसी को चलाने के लिए आपके पास कम अज़ कम जो है वो 4 सोलर पैनल होने चाहिए, 550 वाट के, 545 वाट के या 540 वाट के, ये तीनों जो कैटेगरी है तकरीबन सेम होती है। ये जो पैनल्स है आपके पास कम से कम 4 सोलर पैनल्स आपने इन्वर्टर के साथ लगाने हैं। आज की डेट में अगर इन 4 पैनल्स की प्राइस की बात करें वो तकरीबन आपको 4 पैनल जो है वो 2,20,000 के आसपास उसकी कॉस्ट आएगी, यानी कि आपका अगर गैलेक्सी का इन्वर्टर लगता है 75,000 का आपका वो इन्वर्टर हो गया, और जो सोलर पैनल्स आपने 4 लगाए हैं वो 2,20,000 के 4 सोलर पैनल्स हो गए। इस तरह सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए जो आपने स्ट्रक्चर यूज़ करना है, गैल्वनाइज्ड L2 स्टैंड की अगर बात करें तो 4 पैनल्स को लगाने के लिए 2 स्टैंड लगेंगे, और जो L2 स्टैंड है वो आज की डेट में तकरीबन 6 से 7 हज़ार के दरमियान में कॉस्ट करता है, डिपेंड करता है वो किस गेज का है, तो 2 स्टैंड की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 13,000 आपको आएगी। अगर आपके पास जो है वो जगह कम है, आप वहाँ पर एक ही L4 का स्टैंड लगा के एक ही स्टैंड के ऊपर आप 4 पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। L4 का जो स्टैंड है वो तकरीबन आपको 18 से 20 हज़ार के दरमियान में जो अच्छी गेज का है वो मिलेगा। इस तरह बात करें DB की वायर की जो कि इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती हैं, वो तकरीबन आपकी 40 से 45 हज़ार, जिसके अंदर DB आपकी आ जाएगी, ब्रेकर्स आ जाएंगे, PVC पाइप्स आ जाएंगे, डक्ट्स वगैरह आ जाएंगी, जितनी भी एक्सेसरी होती है हार्डवेयर की वो सारी आपकी 40 से 45 हज़ार के दरमियान में कवर हो जाएगी। और बात करें अगर इसके अंदर जो आपने बैटरीज लगानी है, तो बैटरीज क्योंकि ये सिस्टम जो हम बना रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक एसी को चलाने के लिए बना रहे हैं, और जो इसका बजट है वो भी सबसे कम से कम है, यानी कि मिनिमम बजट में रहते हुए हमने एक एसी चलाना है, तो हमें यहाँ पर अगर हम ट्यूबलेट बैटरी लगाएंगे तो ट्यूबलेट बैटरी जो है वो 60-65 हज़ार से स्टार्ट होती है 180 एम्पीयर की, और 230 या 220 एम्पीयर की बात करें तो 75 से 80 हज़ार के दरमियान में कॉस्ट करती है। तो उस बैटरी की बजाय हम यहाँ पर चूज़ करेंगे जो आम तेज़ाब वाली बैटरी जो पहले UPS के साथ लगती थी वो आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए बजट जो मैंने रखा है वो रखा है 30,000, यानी कि 30,000 के अंदर हमारी, क्योंकि ये PV 3200 जो इन्वर्टर होते हैं 2 बैटरी सपोर्ट करते हैं, तो 30,000 के अंदर हमने 2 बैटरीज परचेज़ करनी है। 15,000 की रेंज में जो भी बैटरी आएगी, चाहे वो 100 एम्पीयर की है, 70 एम्पीयर की, 120 एम्पीयर की है, जितनी भी कैपेसिटी की वो बैटरी है वो 2 बैटरीज परचेज़ करके हम इस सिस्टम के अंदर लगाएंगे। और अगर इंस्टॉलेशन की बात करें, अगर थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप ये चीज़ें खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या किसी भी आप अगर इलेक्ट्रिशियन को या किसी भी आप वहाँ पर सोलर इंस्टॉलर को हायर करेंगे, 10 से 20 हज़ार के दरमियान में उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, डिपेंड करता है उनके पास टीम किस तरह की है, तो ये सिस्टम आपका वो इंस्टॉल करेंगे।
तो ये टोटल जो सिस्टम की अगर कॉस्ट की बात करें तो आज जून 2023 में जो यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट जो कैलकुलेट करके जो टोटल हुई है वो तकरीबन 400,000 से लेकर 410,000 के आसपास इसके ऊपर कॉस्ट मिल रही है। यानी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एक टन का या डेढ़ टन का इन्वर्टर एसी सोलर के ऊपर चलाना है आज जून 2023 में उसके ऊपर तकरीबन 4 से 4.25 लाख की कॉस्ट आएगी। और इसके अंदर जो है वो कॉस्ट अप डाउन हो सकती है अगर चीज़ों की प्राइस जो है जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन अगर ज़्यादा हो या कम हो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट से इन चीज़ों के रेट्स लेके। और बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होगा कि इसके ऊपर ये एसी किस तरह चलेगा। तो दोस्तों अगर एक टन एसी की बात करें तो एक टन का जो इन्वर्टर एसी होता है वो मैक्सिमम आपका 1100 से लेकर 1200 वाट लेता है। जब कमरे की कूलिंग पूरी हो जाती है उसके बाद वो 500-600 वाट के ऊपर आ जाता है। इस तरह अगर बात करें डेढ़ टन के इन्वर्टर एसी की तो डेढ़ टन का जो इन्वर्टर एसी होता है वो मैक्सिमम जो है वो 1800 से 2000 वाट लेता है। जब कमरे की कूलिंग पूरी होती है वो भी तकरीबन 1400-1500 वाट या 1000-1200 वाट के ऊपर भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कमरे का दरवाज़ा बार बार खोलते हैं या उसको बंद रखते हैं। तो क्योंकि जिन लोगों ने बजट के अंदर रहना होता है तो वो अपना एसी भी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो कूलिंग है वो बजाय उसको 16-17 के ऊपर करने के 26-27 के ऊपर करके रखते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपका एसी जो है वो मैक्सिमम जाएगा 1800 वाट के ऊपर। बाद में मिनिमम उसकी जो है वो पावर कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगी यानी 500-600 वाट के ऊपर भी कई एसी जो है वो आ जाते हैं। तो अगर बात करें आपकी सोलर प्रोडक्शन जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिस्टम के अंदर आपके 4 सोलर पैनल लगेंगे जो कि तकरीबन 2200-2300 वाट के सोलर पैनल बनते हैं। और अगर इनके लॉसेज वगैरह निकाल कर इनकी प्रोडक्शन की बात करें कि सोलर पैनल से कितनी बिजली बना के दे सकते हैं तो अगर आपका वेदर बिल्कुल क्लियर है तो ये जो 4 पैनल है ये आपको 1200-1300 वाट से लेकर 1400-1500 वाट तक की जो है वो आपको प्रोडक्शन दे सकते हैं। यानी कि आपका जो सोलर सिस्टम होगा आपके एक एसी के लिए इनफ होगा। साथ में आपकी जो बैटरीज हैं वो भी आपके पास चार्ज रहेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बादल आ जाते हैं और सोलर जो है वो अपनी बिजली बना रहा होता है जो कि 1500-1600 वाट बना रहा है तो वो अचानक से 500-600 वाट के ऊपर आ जाता है। तो उस सूरत में क्योंकि आपके पास दो बैटरियाँ लगी हुई हैं आप जो है वापडा का ब्रेकर ऑफ कर दें आपके पास बैटरी बैंक है तो वो बैटरी बैंक उसको सपोर्ट करेगा और आपका जो एसी होगा सुबह 6-7 बजे से लेकर जब से सोलर पैनल्स के ऊपर धूप पड़ना शुरू हो जाएगी शाम के 5-6 बजे तक जब तक सोलर पैनल्स के ऊपर धूप रहेगी ये सारा दिन आपका एसी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक एसी सोलर के ऊपर चलाना है तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं वो सारी मैंने आपको बता दी। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं आप वहाँ पर अपनी करीबी मार्केट में इन चीज़ों के रेट्स पता करके अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर आपका अगर एक एसी आपने चलाना है तो उसके ऊपर टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी और वीडियो अगर आपको पसंद आई है उसको वीडियो को आपने लाइक कर देना है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है और मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आपने फॉलो करना है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि नेक्स्ट इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती हैं तो वो आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान अदनान शिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।